अस्सलाम वालेकुम, मैं जमीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हाँ सर, मैं डोप कंट्रोल अफसर मनोज कुमार, हमारे एक कलीग डोप कंट्रोल अफसर विकास त्यागी जी हैं और ये हमारे साथी अमन जी हैं। हम यहाँ पर जो एक्सपो में मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की तरफ से, ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की तरफ से ये लगा हुआ है अवेयरनेस, जो डोप से कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में अवेयरनेस काउंटर लगा हुआ है। इसमें जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी बंदे आ रहे हैं, जितने भी प्लेयर आ रहे हैं, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन आ रहे हैं, उनको हम यहाँ पर अवेयरनेस कर रहे हैं कि कैसे आप डोप से बच सकते हैं, कौन सा मेडिसिन आपने लेना है, उसके लिए आप कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म में जहाँ पर आपको पता चल सकता है कि ये मेरा प्रतिबंधित दवाई है जो कि आपने नहीं लेना है। उसके बाद में जो हमारे 7 टाइप का लीफलेट्स हैं एंटी डोपिंग रूल वायलेशंस, उसके बारे में बता रहे हैं। अगर आप प्लेयर हैं, यहाँ गेम में जा रहे हैं, उससे पहले अगर बीमार हो गए या ऐसा कुछ हो गया तो आपको कहाँ अप्लाई करना है ताकि आपको अपने बीमारी को ठीक करते करते आप खेल भी सकते हैं। इसके लिए आपको नाडा के वेबसाइट पर जाकर के टीम थेरेपी टीम एग्जामिनेशन का एक फॉर्म है जो हमारे पास है, जम्मू के लिए दिया हुआ है, उसको आपने भरना है, नाडा के वेबसाइट पर अपलोड करना है। वहाँ से जो मेडिकल कमेटी है वो वहाँ पर डिसाइड करेगी ये दवाई आपको लेना है कि नहीं लेना है। वो वैसे वहाँ से आप ग्रांट करा करके आप उसको खेल सकते हैं। ये सब जानकारियाँ दे रहे हैं। दूसरे में क्या है, जो ये है प्रोहिबिट लिस्ट है, ऐसे 400 ऐसी दवाइयाँ हैं जो नाडा द्वारा बैन है, वाडा द्वारा, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा बैन है। और इसके लिए आपको एक नो योर मेडिसिन ऐप है जो कि हर प्लेयर को अपने मोबाइल में पक्का इंस्टॉल होना चाहिए। बेशक कुछ ऐसे ऐप रखो या मत रखो, लेकिन अगर प्लेयर हैं तो आपको KYM ऐप नाडा द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की तरफ से नो योर मेडिसिन जो ऐप रिलीज किया गया है वो आपको होना चाहिए। उसमें क्या है, आप अगर बीमार भी हो गए, आप समझ लेगा हॉस्पिटलाइज हो गए, आप किसी भी साइड से अगर आपको इलनेस हो रहा है तो आप जा करके, अगर प्लेयर हैं तो आप उसमें जा करके आप सर्च कर सकते हैं नो योर मेडिसिन ऐप पे जा करके। अगर एथलीट हैं तो एथलीट उस पर आसान सा 3 स्टेप्स है, उसके अंदर सेकंड के अंदर में आप बता सकते हैं कि आप एक तरह से आपने डॉक्टर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना, आपको खुद का अपने आपको डॉक्टर बनकर के, अगर स्पोर्ट्स पर्सन है अगर, या तो आपको स्पोर्ट खुद एथलीट है, तभी आप जा करके उसमें आप सर्च कर सकते हैं कि ये दवाई मेरे लिए बैन तो नहीं है। आप उसमें जाएंगे, आसान सा 3 स्टेप्स है, उसमें जाते ही सेकंडों के अंदर में वो बता देगा अलाउड है और प्रोहिबिटेड है। अलाउड है तो ग्रीन टिक करके आ जाएगा, प्रोहिबिटेड तो रेड करके आ जाता है। तो ये बहुत आसान तरीका है और ये ऐसा स्टॉल सर ये लगा हुआ है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक्सपो में जो हमारे जो इससे पहले जो सुबह जो मंत्री जी आए थे, क्या नाम है उनका, नवीन ऐसे अग्रवाल जी थे, उन्होंने आया था पूरा टीम के साथ में। जब उनको बताया तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा है, हम तो अवेयरनेस दे रहे हैं, मतलब आप इसे कैसे बच सकते हैं इसे, क्योंकि स्पोर्ट्स का तो पूरा लगा हुआ है, लेकिन अगर स्पोर्ट्स जब खेल लेंगे, अगर आप स्पोर्ट्स फेयर नहीं खेल रहे हैं तो कोई फायदा नहीं खेलने का। बिल्कुल ठीक है, अगर स्पोर्ट्स में है इतना सब कुछ लगा हुआ अगर, लेकिन सब कुछ लगने के बाद सब कुछ करो और लास्ट में डोपिंग में अगर पाए गए तो कोई फायदा नहीं इस गेम खेलने का। फेयरनेस होना चाहिए, जो ओरिजिनल अगर पावर जो आपका है उससे आपने गेम को स्वच्छ गेम खेलना चाहिए। नहीं तो अगर ये डोपिंग अगर कर लेते हैं इससे क्या होगा, एक तो जिसको जीतना चाहिए वो जो प्लेयर जो शुरू से तैयारी करके यहाँ तक आता है वो नहीं हो पाता है, और दूसरा जो शॉर्टकट रास्ता अपना करके इंजेक्शन या कोई भी टैबलेट या लिक्विड लेकर के आ करके जीत जाते हैं, एक तो उस प्लेयर को आपने पीछे छोड़ दिया। दूसरा में उस दवाई से आपके जो बॉडी में साइड इफेक्ट आती है उसको 2-3 साल के बाद में इतना हार्ट अटैक्स के केस आती है, तो आपको लीवर किडनी फेल ऐसे जो आप समझ लिए ऐसे ऐसे मेडिसिन्स हैं, अगर आपने ले लिया उसको, अगर आपका समझ लिए कि उठाने का स्पोर्ट्स में मतलब 50 kg का अगर आपका क्षमता उठाने का, अगर मेडिसिन लेने के बाद आप 200-250 उठा रहे हो तो पावर कितना आपको बाहर आ रहा है, उतना ही बैक पावर अगर बॉडी में मारता हुआ कहीं ना कहीं तो मारता हुआ, इससे आपका बॉडी में बहुत नुकसान होता है। बहुत सारे प्लेयर हैं जो हॉस्पिटल में अभी बिस्तर पर पड़े हुए हैं, तो इनको सब समझना चाहिए और इससे डोप से दूर रहना है, यही हम समझा रहे हैं। अब जो भी आता है उनको फिर बताने के बाद में, ये जो हमारे नाडा की तरफ से जो शोविनियर्स हैं, ये बच्चों को हम बताते हैं, जो भी प्लेयर बताते हैं, जो भी उनको बताते हैं, उसमें से फिर सवाल पूछते हैं और सवाल जो सही जवाब देता है तो उनको ये गिफ्ट देता है, इसलिए कि ताकि, और गिफ्ट का हम बताते हैं तो ध्यान से सुनते हैं और इसी ध्यान से सुनने के चक्कर में वो अपना के अवेयर हो जाते हैं। अवेयरनेस के बाद में ये गवर्नमेंट की तरफ से ये सब ये बोटल्स हैं, कप है, ये की चेन है,
ग्रुप है, स्माइली बॉल है, ये बैग है, ये डायरी है, बहुत सारे गवर्नमेंट जो गाड़ा ने प्रोग्राम चला के रखा हुआ है, तो ये बढ़िया है। इससे आप मतलब डोप से कैसे बच सकते, तब जाकर के इंडिया अभी नंबर 2 पर चल रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा डोपिंग में तो फिर मतलब नंबर 1 पर आने से तो दिक्कत हो जाएगा। तो हमने एकदम डोप फ्री करना है, 0 पर लाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसलिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं डोपिंग से आपको कितना बचा सकें, दूर रख सकें। ये जो अवेयरनेस लगा है अच्छा है, लगना चाहिए हर जगह, हर जगह हम जगह जगह के ऑल इंडिया में जा करके सब स्टेटों में जितनी फेडरेशन है जहाँ जहाँ गेम होता है वहाँ वहाँ अपना अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी सबसे पहले आपको एजुकेशन है। इंजेक्शन तो कभी भी कोई भी दे सकता है आपको, जब भी टेस्ट हम कभी भी टेस्ट ही ले सकते हैं, लेकिन अगर अवेयरनेस ज़्यादा रहेगा तो आदमी इस पर डोपिंग में कम फंसेंगे बच्चे। तो यही है सर, यहाँ पर हम पूरी जनता को अवेयर कर रहे हैं कि आप उस डोप से कैसे बच सकते हैं, और निष्पक्ष खेल होना चाहिए, डोप फ्री होना चाहिए, हमारा मोटो भी है ये, से नॉट टू डोपिंग प्ले फेयर। तो इसको ध्यान में रखते हुए जितने भी प्लेयर आ रहे हैं, और काफ़ी सुबह से अच्छा रिस्पॉन्स हुआ, कम से कम हमारे पास तो अभी तक 150 से 200 प्लेयर से और स्पोर्ट्स पर्सन और पेरेंट्स आ चुके हैं इसके बारे में पूछने के लिए, और हमने अच्छी तरह से कर रहे हैं, और बहुत अच्छा चलता रहेगा। बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा।